हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 7 अगस्त। 7 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले आपको दो क्वेश्चन आंसर करने फ्रॉम 6 अगस्त क्यूज। In which country world first interactive art gallery has been set up? तो कौन सी कंट्री में interactive art gallery या म्यूजियम आप कह सकते हैं सेटअप हुआ, तो ये आपको बताना है इसका आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम वर्ल्ड नंबर वन टेस्ट बैट्समैन रिसेंटली। दुनिया का नंबर वन टेस्ट बैट्समैन कौन बन गया अभी हाल ही में, तो आपको इसका आंसर मुझे बताना है इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। अब स्टार्ट करते हैं 7 जुलाई के इम्पोर्टेंट, 7 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड ए हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट। तो हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया। हाइपरसोनिक होता क्या है, सुपरसोनिक सुना होगा जो साउंड की स्पीड से चलता है, जो हाइपरसोनिक होता है वो उससे भी बढ़कर मतलब 5 गुना तेज, उससे भी ज्यादा तेज चलता है। कौन सी कंट्री ने इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया, तो इस कंट्री का नाम है चाइना। ये चाइना ने इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया। एंड इस सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, किंग कॉन्ग टू इसका नाम है, या फिर स्टार स्काई इसका नाम है। एंड 5 गुना तेज ये उसकी साउंड की स्पीड से चलेगा। एंड अबाउट चाइना, चाइना की कैपिटल बीजिंग, वहां के जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, एंड वहां की जो करेंसी है वो है चाइनीज यूएन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री 2018 विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एनुअली होती है, ये किस किस कंट्री के बिटवीन होती है, ये होती है हमारी इंडिया एंड थाईलैंड के बिटवीन, ठीक है। एंड थाईलैंड की जो कैपिटल है वो है बैंकॉक, एंड उसकी जो करेंसी है वो है थाई बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो एक स्कीम है, ये लॉन्च की कौन सी स्टेट ने, आपको ये बताना है। इसमें है क्या कि इसमें जब कोई भी गर्ल चाइल्ड होती है, बॉर्न होती है, उसकी डिटेल मैरिज तक गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी अराउंड 53,000 का अमाउंट है इतना। तो उनकी स्कूल टाइमिंग, कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम में इतनी कंपनसेशन अराउंड 50,000 प्लस जो प्रोवाइड करेगी, तो ये कौन सी स्टेट प्रोवाइड करेगी। मुख्यमंत्री जिस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, तो कन्याओं के लिए है, तो ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया, ये किया स्कीम लॉन्च किया बिहार ने। एंड बिहार के जो आई थिंक सीएम सबको पता होगा नीतीश कुमार, एंड वहां की जो कैपिटल है वो है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज वॉन वुमेन वर्ल्ड कप हॉकी वर्ल्ड कप 2018। तो कौन सी कंट्री ने जीता वुमेन वर्ल्ड कप, जीता हमारी कौन सी कंट्री की महिलाओं ने जीता, तो ये कौन सी कंट्री की महिलाएं, ये है हमारी नीदरलैंड की। एंड नीदरलैंड काफी अच्छी टीम है, लास्ट टाइम भी इन्होंने ही जीता था, एंड उसके बाद अब मेंस कैटेगरी में अभी वो हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय ISRO विल बी हेल्पिंग इन विच फील्ड। ISRO एक लॉन्च कर रही है एक सैटेलाइट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो एक सैटेलाइट होगी एंड सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट होगी, तो ये बताना आपको ये किस चीज में हेल्प करेगी। तो ये अभी लॉन्च होगी, ये करेगी हमारी जी हेल्प इंटरनेट में, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने में ये हेल्प करेगी। एंड इस सैटेलाइट का नाम क्या होगा, इस सैटेलाइट का नाम है GS-82nd, एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म ISRO की, एंड इसके हेडक्वार्टर्स बैंगलोर। एंड इसमें इतनी कैपेबिलिटी होगी, ये 24 GB/s इंटरनेट स्पीड दे सकती है, तो इसका अगर मुझे आधा भी मिल जाए ना तो मैं बड़ी देर वीडियो अपलोड करूंगा। बट चलो देखते हैं कितनी स्पीड मिलती है, बट अप्रॉक्स इन्होंने कहा है कि अराउंड 24 GB/s तक इसकी कैपेबिलिटी है कि इतनी स्पीड ये दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो ये डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज कौन सी सिटी में स्टार्ट हुआ, तो ये हुआ जी हमारी स्टार्ट बेंगलोर में। एंड इसमें है क्या कि इसमें डिफेंस पे ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार्स वगैरह किए जाएंगे, तो ये पूरे यूथ को भी बताया जाएगा, सब बताया जाएगा, इंफॉर्मेशन अवेयरनेस बताई जाएगी सबको। तो डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज इसका नाम है, एंड ये कहाँ पे स्टार्ट होगा, ये हुआ बेंगलोर में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन थिंक टैंक लॉन्च मूव हैक ए ग्लोबल मोबिलिटी हैकाथॉन। तो कौन से इंडियन थिंक टैंक हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन जो सोचती है, प्लान्स करती है। देखो ये कौन सी हैक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि देखो हैकाथॉन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लगा लो, एक ऐसा सेटअप होता है जहां सारे कंप्यूटर नॉलेजेबल पर्सन इकट्ठे होकर कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ डेवलप करने की कोशिश करते हैं, कुछ प्लान्स करते हैं,
ठीक है, तो ये एक मूव है कि ग्लोबल मोबिलिटी हैकाथॉन ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया, सबसे पहले तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, नीति आयोग। नीति आयोग जो जिस प्लानिंग कमीशन को जिसने रिप्लेस करके नीति आयोग आई थी, पहले प्लानिंग कमीशन होते फाइव ईयर्स प्लान, तो उसके बाद नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 से। एंड इसमें होगा क्या कि इसका मूव है कि ग्लोबल मोबिलिटी इसमें होगा क्या कि ये किस पे काम करेंगे, ये काम करेंगे रोड सेफ्टी पे। देखो रोड सेफ्टी के रिलेशन मतलब उन सबका रिलेशन की उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैसे इंप्रूव किया जाए, क्या क्या हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहां लगा सकते हैं उसको इंप्रूव करने के लिए। मोबिलिटी हो गया मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसका अगर आपको इतना पता होना चाहिए कि एक ये रोड सेफ्टी पे ये एक लॉन्च हुआ तो मूव है ए ग्लोबल मोबिलिटी हैकाथॉन, तो ये किससे किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया हमारी नीति आयोग। And next question is the union government has approved 122 research project for funding under which scheme? तो हमारी union government ने 122 research project के लिए 100 करोड़ पे funding का approval दे दिया, तो ये आपको बताने की किस scheme के अंडर, तो ये scheme है imprint, तो इसमें different different projects हैं like रोड प्रोजेक्ट्स हो गए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हो गए, किसी को कंपनसेशन प्रोवाइड करनी, किसी को सेटअप स्टार्ट करना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट फंड करेगी, तो एक स्कीम है किस स्कीम के अंडर ये सब स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्ट होगा इम्प्रिंट स्कीम के अंडर। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के क्वेश्चन, आई नो थोड़े मैंने जल्दी की एक्चुअली कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा, थोड़े ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया आज के लिए सॉरी, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो फिर भी आपको अच्छा जरूर लगा होगा, अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।